होशियार, वजीर हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे शरफ बख्शा वजीर हजरत, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ही इसके पहले हकदार हैं। क्या आलीशान इस्तकबाल किया आपने हमारा। आपके लिए जितना भी किया जाए वो कम ही होगा। आइए इस तरफ। ये सरजमीनें मेहरबान हो गई हैं करासी साहब आप पर। समंदरों का हाकिम होना, बस समझ लें कि दौलत का बंद दरवाजा खुल गया। बहुत शुक्रिया वजीर हजरत, इस समंदर ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इसकी ही बदौलत दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। समंदर सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में हरगिज नहीं है, समझ लीजिए। रूहानी खजानों के बारे में कभी मत भूलिएगा जो समंदर आपको देगा। रूहानी खजाने से क्या मतलब है आपका मोहतरम वजीर? मैं कुछ समझा नहीं। सबसे मुकद्दस और कीमती अमानतें जो हमारे लिए छोड़ी गई थी वो बदकिस्मती से चुरा ली है किसी ने। क्या, किसने? ऐसा करने की जुर्रत आखिर कौन कर सकता है? निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ लेकर आए हैं। यहां आपके पास आने की भी यही वजह है। इज्जत बख्शी है आपने यहां आकर वजीर हजरत। जब तक वो अमानतें हमें मिल नहीं जाती तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे यही सुनना चाहता था, ढूंढे उन्हें। Thank you.
मुझे इस शर्फ के लायक समझा। आपको मायूस नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। देखते हैं करासी साहब। इस सरजमीन का जब मैं पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा, उस वक्त दुनिया देखेगी कारासी को, ये दुनिया समझ जाएगी, जल्द समझ जाएगी। संजार जी, कहिए हजरत। वजीर उमर कारागिजिस से होते हुए गर्मियान तक जाएंगे। सिपाहियों से कहो जब तक वो कारासी सरहद पार नहीं कर लेते, उस वक्त तक उनके साथ रहें। जो आपका हुक्म हो।